फॉर एडमिशन इन MBBS इन कजाकिस्तान प्लीज कॉन्टैक्ट फोन 8949841684। बांसुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में 12 सितंबर से शुरू हुए ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने समापन किया। समापन समारोह में पहुंचे उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग के फाइनल मैच हुए। इन 6 खेलों में 9 टीम विजेता रही, जिसमें 5 पुरुष वर्ग में और 4 टीमें महिला वर्ग से विजेता रही। टीमों को जिला स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बांसुर में ओलंपिक खेलों के लिए 226 टीमों में 2596 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें मुकाबले में कबड्डी पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला गुंता व शाहपुर की टीम के बीच खेला गया, जिसमें गुंता टीम विजेता रही। वहीं कबड्डी महिला वर्ग में होलावास व रसमाली के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें होलावास की टीम ने विजेता होने का खिताब जीता। इस तरह खो खो महिला वर्ग में बावरिया व शाहपुर की टीम आमने सामने रही, जिसमें बावरिया की टीम विजय रही। क्रिकेट महिला वर्ग में चतरपुरा व कराना की टीमों के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें चतरपुरा की टीम ने यह मुकाबला 48 रनों से जीता। तो वहीं हॉकी पुरुष वर्ग में हरसोरा व करारा के बीच मैच हुआ, इसमें हरसोरा टीम विजय हुई। क्रिकेट पुरुष वर्ग में गिरुंडी के व मोटुका के बीच मैच हुआ, जिसमें मोटुका टीम 2 विकेट से विजेता रही। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में रसनाली होलावास में रसनाली विजेता रही। वहीं महिला वर्ग में हुए बुर्जा व मोटुका के बीच मैच में मोटुका टीम ने बाजी मार ली। शूटिंग के पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में गुप्ता व मोटुका के बीच हुए मैच में गुप्ता गुंता की टीम विजय रही। विजयी टीमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपने गांव का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं पंचायत समिति प्रधान सुभाष सुमन यादव ने विजेता टीमों को सभी खिलाड़ियों को जूते और मोजे देने की घोषणा की। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोज सिंह शेखावत और प्रधानाचार्य की ओर से उद्योग मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया।